तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। अपडेट में क्या क्या आया या फिर बोल सकते हैं क्या चेंजेस किए गए, आगे हम देखते हैं अपडेट में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आपके अपने सनी अरोड़ा के साथ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग कीबोर्ड के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ माय अपडेट्स में, या बोल सकते हैं गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे ये आपको नया अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग कीबोर्ड का, जो कि रोल आउट हुआ है। आप नीचे की तरफ आएंगे, 4 अगस्त को रोल आउट किया गया है। इसका वर्जन है 5.4.80.1, जो कि 81 MB का है। पहले तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और साथ में इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस अपडेट में क्या किया गया है, व्हाट्स न्यू। यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले वी हैव फिक्स सम इशू इन द प्रीवियस वर्जन, फिक्स द इशू इन विच टाइप ऑकर्ड व्हेन द प्रीडिक्टेड टैक्स सेटिंग वर ऑफ। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ फिक्स किया गया है, मतलब नया अपडेट नहीं है, वहाँ पर फिक्स ये किया गया है। अगर आप वहाँ पर टाइपिंग करते थे प्रीडिक्टेड टैक्स को, अगर आप ऑटोमेटिक टैक्स जो भी आप लिखते थे, ऑटोमेटिक जो करेक्ट होती थी, वो अगर आप ऑफ भी करते थे तो भी वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था। तो ये उसको सबसे पहले यहाँ पर फिक्स आउट किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड इशू क्या फिक्स किया गया, फिक्स द इशू इन विच हैंगल लेटर वाल स्प्लिट। अगर आप स्प्लिट कीवर्ड यूज़ करते थे तो वहाँ पर जो कुछ लेटर हैं ऊपर नीचे हो जाते थे, तो उसको भी फिक्स किया गया है। साथ में फिक्स द इशू इन द कीबोर्ड स्क्रीन वाज डिस्प्ले इनकरेक्टली द रोटेट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जब भी आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली उसको मूव करते थे, तो सैमसंग कीबोर्ड है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, या फिर उसका जो कीज़ हैं सही नहीं दिखती थी, तो उसको भी रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर सेंसिटिव कुछ सेंसिटिव चाइना के वर्ड डिस्प्ले में आते थे, जो कि चाइना फोकस डिवाइसेस पे, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया, और साथ में कोई नया फीचर को एड ऑन नहीं किया गया। अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट होने के बाद इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पर कैसे इसको यूज़ करेंगे और क्या इसमें, मतलब ये जो लिखा है क्या क्या फिक्स किया गया है, तो उसको होने देते हैं अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद अब मैं ले जाता हूँ आपको अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आने के बाद इसको देखते हैं एक्चुअल में ये कैसा क्या चीज़ है। अब मैं आ गया हूँ व्हाट्सएप पे। अब मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया कीबोर्ड को। तो सबसे पहला चेंजेस यहाँ पर, सबसे पहला अपडेट था प्रीडिक्टेड टेक्स्ट सेटिंग पे जाते हैं। ये जो ऊपर दिखता है ना प्रीडिक्टेड टेक्स्ट, अगर आप इसको ऑफ भी करते थे तो पहले ऑटोमेटिक वर्क कर रहा था, तो अब इसको अगर आप ऑफ या ऑफ भी रखेंगे तो ये अब आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला, मतलब कि इसकी जो भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर उन्होंने रेक्टिफाई कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड क्या बोला है उन्होंने, इशू हैंगिंग विद स्प्लिट। अगर आप स्प्लिट वाला यूज़ करते थे कीबोर्ड, तो उसको भी यहाँ पर सेट कर दिया गया, तो वो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या किया गया, फिक्स द इशू इन डिस्प्ले। अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट करते थे तो जो भी वहाँ पर इशू था उसको भी रेक्टिफिकेशन कर दिया गया। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी एक बार वो भी बताया, तो मैंने यहाँ पर रोटेट कर लिया, अब यहाँ कीबोर्ड ऑन कर लिया। अगर मैं अब यहाँ इसको रोटेट करूँगा तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो कीज़ है ना सही विजिबल नहीं हो रही थी, बीच बीच में वो कुछ एरर दे रही थी, तो अब इसको रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है यहाँ पर उसको भी। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है फिक्स द इशू सेंसिटिव। ये कुछ चाइनीज़ के वर्ड यहाँ पर शो हो रहे थे चाइनीज़ फोकस डिवाइसेस में, ये अपने पास तो नहीं हो रहा था, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है और कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि सैमसंग कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो बस यही है कि इस अपडेट्स में फिक्सेस किए गए हैं, कुछ लेटेस्ट नए फीचर को ऐड ऑन नहीं किया गया बट फिक्सेस किए गए हैं। फिक्सेस मतलब कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया गया। तो जो भी अगर आपको सैमसंग कीबोर्ड से रिलेटेड थी, मेरे हिसाब से कि वो सब यहाँ पर रेक्टिफाई कर दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन भी दबा दो। और अब बताओ कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको बेकार भी लगी है तो यार डिसलाइक बटन दबा देना और साथ में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि डिसलाइक करिए क्यों करा और आपको क्या मेरी वीडियो में ख़राब लगा। और एक चीज़ और, हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।